हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम सब सिस्टर्स लोग गैदर होने के बात की है, तो मैं शॉर्टली थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी इस बेसिस में। तो अभी मैं आ गई हूँ और कुछ लोग आगे आए हैं और अभी कुछ लोग आने बाकी हैं। हम लोग अभी बड़ा दीदी का घर पे है, हिंदी से बोले तो बुआ होंगी, पापा का दीदी है। तो अभी ज़्यादा ही कुछ गरम है एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये पिंक वाला जो ड्रेस चश्मा वाला है ना, वो मेरा पापा का दीदी है। तो इसका घर पे हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बात करने के लिए साथ में ऐसे गैदर हुए हैं। तो अभी ऐसे बैठ कर बातें कर रहे हैं, कोई लोग अंदर में है, कोई लोग ये बाहर में ही है। ये देखिए सब बुआ है, फिर भी हमारे निशे में दीदी मानते हैं। सो अंदर में भी यहाँ देख सकते हैं, सभी का नाम इंट्रोड्यूस तो नहीं कर पाई, फिर भी रैंडमली दिखाऊंगी। नेक्स्ट ट्रिप में अगर मिलेंगे तो मैं डिटेल नेम के साथ मैं अपलोड करूंगी जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। काफ़ी देर से हम लोग बातें की है एक दूसरे की, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और हम लोग का जो ये सिस्टर्स ग्रुप है उसको कंटिन्यू अच्छे से ले जाने के लिए थोड़ा बहुत बात किया है एक दूसरे के साथ, कुछ कुछ शेयरिंग भी किया है। तो सभी बात होने के बाद अभी हम लोग खाना खाने के लिए डिसाइड किया, सो खाना खाएंगे अभी। हम लोग का प्रोग्राम दिन को थी, सो थोड़ा बहुत लेट हो गया सभी गैदर होने में, उसी चक्कर में जल्दी से सभी को भूख लग गई। सो लंच के लिए यहाँ सब खड़ा है एंड सब दीदी लोग, कोई लोग नहीं आ पाया एंड कोई छोटा वाला बेबी डिलीवरी के लिए उसमें बिजी होके नहीं आ पाया। तो हम लोग जो जो अवेलेबल है इस बार आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गैदर होगा तो शायद सभी आ पाएंगे। और बहुत स्पेशल फील किया सब साथ में, एक साथ खाना उना खा के एक दूसरे का जो दुख तकलीफ़ है एक दूसरे को बता के लाइफ में कैसा आगे बढ़ना है कैसा नहीं, थोड़ा बहुत बड़ा लोग से, बुआ लोग से, दीदी लोग से सीखा है। तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड वो है, मिक्सअप है, तो ज़्यादातर मैरिड है, अनमैरिड बहुत कम लोग हैं हम लोग। तो अभी सब खाने में लगा है। सब लंच खाने के बाद अभी बुआ लोग से हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं, दादाजी दादी जी और जो हमारे चाचा चाची लोग जो गुजर गए हैं हम लोग नहीं आने से पहले दुनिया में, उसका कुछ स्टोरी बता रहे हैं। तो बस हम लोग बैठकर सुन रहे हैं। बुआ लोग बता रहे हैं कि पहले ज़माना में कैसे मतलब बच्चा को, अपना बेटी को मतलब किसी और का घर में ऐसे मतलब ऐसा नियम था कि बेच देता था ऐसे करके। तो ऐसा हो कि वो लोग कैसा अपना लाइफ को स्टार्ट किया है, कैसे खेती बाड़ी करके मतलब बहुत दुख तकलीफ से बच्चा को भी जन्म देके बच्चा का साथ में कैसे मतलब जिया है, अभी का लाइफ और पहले का लाइफ का डिफरेंस में बता के। पहले में तो बच्चा को हगेस वगैरह भी यूज़ नहीं करता था, और आजकल का जो मतलब बहुत अंतर हो गया, अभी का बहुत इजी लाइफ हो गया, पहले का बहुत हार्ड था। और पहले ज़माना में हम लोग का बस्ती में तो लाइट नहीं था, रोड भी नहीं था, ऐसे करके कैसे वो लोग स्टार्ट करके वो किया है अपना लाइफ को। और ये भी बोल रहे कि वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो अभी हम लोग सब भाई बहन लोग जितना भी है बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, तो खुद को कैसा इस्टेब्लिश करना है, अपना पैरों में कैसे खड़ा होना है एक लड़की होने के नाते,
आगे पैरों में खड़ा होना है, उसके बाद लाइफ को मतलब आगे जाने के लिए सोचना है। बहुत कुछ अच्छा अच्छा बात हम लोग को समझाया, और आज सच में मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सच में वो लोग का और हम लोग में बहुत डिफरेंस है, और हमें पता ही नहीं था मतलब ज़्यादा एज गैप के कारण हम लोग इतना भी मिलने को टाइम भी नहीं मिलता, तो आज मिल के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा स्पेशली हमको। और ये भी बुआ है मेरा पापा से जस्ट छोटा वाला, इसका नाम है अन्या, तो हम लोग सब आता ही बुलाते हैं। तो ये आता फास्टिंग सेंटर में रहा है, उसका लाइफ हिस्ट्री को टेस्टिमनी को कैसे गॉड जो उसका लाइफ में काम किया है हमारे साथ में टेस्टिमनी शेयर कर रहा है। कुछ कुछ इनकरेजिंग वर्ड, कुछ कुछ लाइफ का रिलेटेड बहुत ही समझाया, फ्यूचर में अगर ऐसा ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब ओवरकम कैसे करें, कैसे परमेश्वर का मतलब और रहना है, ये सब बहुत अच्छा अच्छा बात हम लोग को बता रहे। तो बस हम लोग उनसे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीखने को, सब बुआ लोग से इनकरेजिंग वर्ड हम लोग सुनने के बाद अभी हम लोग सब सिस्टर्स एक डिसाइड करके फंड रख के एक दूसरे के लिए, ये एक बहाना भी होगा साथ में मिलने के लिए, तो फंड के बारे बात करके हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह आफ्टर वन मंथ हम लोग एक एक करके सभी सिस्टर्स का मतलब हर घर पे मतलब हम लोग ऐसे मिलेंगे, तो मैरिड हो या अनमैरिड जस्ट ऐसे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग ने डिसाइड किया है। और ये स्टार्ट किया है मेरा मतलब बड़ा बुआ, पापा से बड़ा वाला, पापा का दीदी, तो उसका घर से शुरू किया है, तो बड़ा से छोटा 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 करके जो लास्ट बहन लोग आएंगे, तो अभी ये शुरुआत है। मैं हमेशा अपडेट करते रहूँगी जब जब हम लोग मिलेंगे। हाय बेबी, आप इतना खेल खेल के पसीना हो गया, तो आई लव यू। आपको कैसे लगा यहाँ में आके मुई का घर में? अच्छा, अच्छा लगा। आप यहाँ गंदा गंदा में खेले, पाओ देखो इतना गंदा हो गया, ची 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 मजा लगा। और यहाँ में चिक्स जो रेड रेड हो गया, आपका पसीना पसीना हो गया। तो अभी हम लोग फोटो सेशन होगा, ये दोनों वाह, ये लोग फोटो किसने, इतना टाइम लग रहा है, सब जल्दी आओ ना। किसने देगा? आता हूँ लोग देख रही, आता खत्म हो गया, अभी सब चला जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, अभी सब जा रहे हैं। अभी याई बाय पाया लिंग चो को चलो आ जाओ, आ रहे बेबी आ रहे।